यार मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ कि फ्रूट के रेट थोड़े से नीचे आ गए हैं। 200 रुपये से कुछ कुछ कम आ चुके हैं, कोई 180, 150, 120 ऐसे से रेट फ्रूट्स के नीचे आते जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं हर ठेले पे जाके अपनी छोटी छोटी क्लिप बना रहा था और कसों को कह रहा था यार बना दो क्लिप, उनको भी लेके साथ आया हुआ था, उनको भी रोजे में और ख्वार कर रहा था और उनको तंग कर रहा था। मैंने बोला भाई सस्ता कुछ मिलेगा तो ले लेंगे, सस्ता तो फिर भी गुजारा हाल हो रहा है, हल्का हल्का सस्ता हो रहा है, सब सामान एकदम से सस्ता नहीं हुआ। उसके बाद हम चले जाते खरबूजे वाले चाचा के पास, फिर इस चाचा से भी मैंने खरबूजे लिए। खरबूजे लेने के बाद मैं चला जाता हूँ घर पे, फटाफट से उसको कहना भाई क्लिप बना दे, वगैरह डालनी होगी तो तंग कर रहा होता हूँ कजन को। फटाफट से वो मेरी क्लिप बनाता है, तो क्लिप बनाने के बाद घर पे सामान देते, सामान देने के बाद हम मस्जिद पहुंचते हैं, असर की नमाज का टाइम हो जाता है। तो वहाँ पे असर की नमाज अदा करने के बाद मैं और अहमद चले जाते हैं ये कुछ समोसे पकौड़े थे ये वो लेने, उनके घर वाले कहते हैं ये लेके आओ। अहमद का भरोसा था, वो भी बड़े शौक से खाता, तो हम लोग लेने चले गए। ये वहाँ से हम लोगों ने सामान लिया, सामान लेने के बाद मैं और अहमद निकल पड़े घर की तरफ, और अहमद घर की तरफ निकल पड़े बाइक बाइक ड्राइव करते हुए। तो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दस्तरखान पर सजा देते हैं। दस्तरखान सजाने के बाद इफ्तारी का टाइम होता है, इफ्तारी के टाइम पे इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करने का तैयारी करने का चला जाता हूँ मैं मगरिब की नमाज अदा करने के लिए, वजू करके मैं बैठा होता हूँ तो मेरा कजन उठा के मेरी कैब ले जाता है, संजय करके आता है, फिर मुझे वापसी करता है। तो फिर मैं मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं अपनी मगरिब की नमाज अदा करता हूँ। बाहर निकलता हूँ तो ये वाला कजन खड़ा होता है, इसको ऐसे हाथ दिखाकर थोड़ा डरा रहा होता है, ये डरता नहीं है, पता नहीं क्या जेब से निकालता है, निकलता ही नहीं है इसकी जेब से। सब कजनों को लेकर चला जाता अपनी गली में, वहाँ बैठ जाता, बैठे हुए ऐसे जैसे कोई भी आता मोबाइल छीन चला जाता, डर लग रहा था। तो फिर एक कजन चला जाता, तो फिर मैंने कजनों को बड़ा करने के बाद कजनों को बड़ा मनाया, तो फिर वो मुझे लेके गए बर्गर खाने के लिए, क्योंकि मुफ्त मुझे खाने में मजा आता है, पैसे भरने नहीं। यहाँ दुकान के बाहर खड़े होकर इनको डिसाइड करता कौन खिलाएगा, भाई एक दूसरे पे बाटे डाल रहे थे, उसी मेहरान मान ये लोग खिला रहे थे। तो ये अंडे पड़े थे, मैंने अंडे वाले बर्गर वाले भाई को कहा भाई अंडे उठा ले, बर्गर ले आया, तो तंग कर रहा था, अंडे उठा ले तो बर्गर ले आया। अब मैं तो सुकून से खा रहा था, मोहसिन और मेहरान का मुंह बना हुआ था क्योंकि पैसे इन लोगों ने पे करने थे। आपको पता मुफ्ता तो हमेशा ही मजेदार होता, तो उसके बाद खाने के बाद उंगलियां भी चाट ली क्योंकि मजेदार था। ये हमारा हो गया भाई फिनिश सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ता खत्म हो गया भाई। मुफ्ता खाने के बाद हम लोग भी घर जा रहे हैं और आप लोग भी लाइक करके घर जाए। अल्लाह हाफिज़।